नमस्कार आदाब, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का जो चैप्टर है द थीफ्स स्टोरी, इसके क्वेश्चंस आंसर्स आपको कराने जा रहा हूं। लेकिन चैप्टर शुरू करने से पहले, आज शब बारात है, मैं आप सब लोगों से माफ़ी चाहता हूं अगर अनजाने में किसी भी तरह की मुझसे कोई गलती हुई है या आपको मेरे तरफ से कोई चोट पहुंची है, उसके लिए आप लोग मुझे माफ़ कीजिएगा। पूरी उम्मीद है कि आप लोग मुझे आज के मौके पर ज़रूर माफ़ कर देंगे। चलिए, मैं नया चैप्टर का जो क्वेश्चन आंसर है वो मैं आपको आज सॉल्व कराने जा रहा हूं। आप देखिए, और बिना टाइम को ख़राब किए हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करना। थिंक अबाउट इट। इसका पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर हरी सिंह्स रिएक्शन टू द प्रॉस्पेक्ट ऑफ रिसीविंग एन एजुकेशन, डू दे चेंज ओवर टाइम। एक सिंपल सा क्वेश्चन ये है कि एजुकेशन पाने के लिए हरी सिंह का क्या रिएक्शन था, क्या वो अपने आप को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। हिंट इसके अंदर दिया है, कंपेयर फॉर एग्जांपल द थॉट आई न्यू दैट वंस आई कुड राइट लाइक एन एजुकेटेड मैन देयर वुड बी नो लिमिट टू व्हाट आई कुड अचीव विद दीज लेटर थॉट्स होल सेंटेंसेस आई न्यू कुड वन डे ब्रिंग मी मोर देन अ फ्यू हंड्रेड रुपीज। It was a simple matter to steal and sometimes just as simple to be caught, but to be a really big man. ये क्वेश्चन है मेरा पूरा, ठीक है। देखिए, क्वेश्चन में कहता है कि मैं चोरी करने में अगर 100 रुपीज अर्न करता हूँ, एक तरह से चोरी करता हूँ, तो क्यों ना मैं पढ़ाई लिखाई कर लूं, और पढ़ लिखने के बाद जिसकी कोई हद नहीं है, कोई इंतहा नहीं है, मैं अच्छा पैसा भी कमा सकता हूं और एक रिस्पेक्टेबल आदमी भी बन सकता हूं। व्हाट मेक हिम रिटर्न टू अनिल, क्या अनिल ऐसा करता है। इसका जवाब देखिए, हरी सिंह फील्स दैट एजुकेशन कैन मेक हिम अर्न अ लॉट ऑफ मनी इन एन ऑनेस्ट वे। इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर ईमानदारी से हम काम करें एजुकेशन की फील्ड के अंदर, या एजुकेशन होने के बाद अगर हम ईमानदारी से काम करते हैं, तो हम ढेर सारा पैसा कमा सकते हैं। हिज प्रॉस्पेक्ट ऑन रिसीविंग एन एजुकेशन डजंट चेंज ओवर टाइम, लेकिन उस वक्त तक उसकी मैंटेलिटी पूरी तरह से चेंज नहीं हो पाई थी। He feels that he can earn much more if he gets education. और वो realize कर रहा है कि अगर मैं educated हो जाता हूँ तो ज़्यादा पैसा कमा सकता हूँ। Returns to Anil because Anil trusts him. वो फिर से अनिल के पास वापस आ जाता है, जो उसके ऊपर काफ़ी भरोसा करता है। Feeds him, उसको खाना भी देता है। Treats him well and even teaches him, और उससे अच्छा व्यवहार भी करता है और उसको पढ़ाता लिखाता भी है। क्वेश्चन नंबर टू, व्हाई डज नॉट अनिल हैंड द थीफ ओवर टू द पुलिस। अच्छा क्वेश्चन है, डू यू थिंक मोस्ट पीपल वुड हैव डन सो, इन व्हाट वेज इज अनिल डिफरेंट फ्रॉम सच एम्प्लायर्स। कहते हैं, अनिल ने उस चोर को पुलिस के हैंडओवर क्यों नहीं किया। आपको ऐसा लगता है कि सब लोग इसी तरह का व्यवहार करते हैं, इसी तरह का एटीट्यूड रखते हैं, क्या वजह थी कि अनिल ने उसको पुलिस के हैंडओवर नहीं किया और उसको अपने यहाँ उन्होंने एक नौकर की तरह रखा, नौकर बनाकर रखा, यानी अपने यहाँ काम दे दिया। अनिल जवाब देखें, अनिल डिड नॉट हैंड ओवर टू द ओवर द थीफ टू द पुलिस मे बी बिकॉज ही न्यू दैट हरी सिंह हैड रियलाइज हिज मिस्टेक। अनिल
ने इसलिए चोर को पुलिस के हवाले नहीं किया क्योंकि उसको पूरा भरोसा था कि अगर हरि को मौका मिलेगा तो वो अपने आप को बदल सकता है और अपनी गलतियों पे शर्मिंदा भी हो सकता है। ही वॉज फीलिंग गिल्टी फॉर वॉट ही हैड डन एंड वॉन्टेड टू मेंड हिज वेज। वो शर्मिंदा भी था, यानी वो जो चोर जो था उसको ये फीलिंग आ चुकी थी कि मैं गलत कर रहा हूँ, राइट, और वो अपने रास्ते सुधारने की भी कोशिश शायद करेगा। ये थिंकिंग अनिल साहब की थी। दिस वॉज द रीज़न वाई हैड कम बैक एंड पुट द मनी बैक टू इट्स प्लेस। इसीलिए अनिल के पास वो वापस शायद आ गया और आने के बाद उसने सारे पैसे अनिल के बिस्तर के नीचे रख दिए। अनिल वांटेड टू गिव हिम ए चांस टू बिकम ए बेटर पर्सन, और शायद ऐसा था कि अनिल उसको एक और मौका देना चाहता था। टॉक अबाउट इट, इसका पहला क्वेश्चन देखिए। डू यू थिंक पीपल लाइक अनिल एंड हरी सिंह आर फाउंड ओनली इन फिक्शन, और आर देयर सच पीपल इन रियल लाइफ? क्या आपको ऐसा लगता है कि इस तरह से जो काम होते हैं वो एक रियल लाइफ में भी होते हैं? जवाब, आई डोंट थिंक दैट पीपल लाइक अनिल एंड हरी। मुझे नहीं लगता कि लोग अनिल को और हरी को इस तरह के एटीट्यूड में पसंद करते होंगे। हरी सिंह आर फाउंड ओनली इन फिक्शन, दे आर सच पीपल इन रियल रियल लाइफ ऑल्सो। कहते हैं कि अनिल जो कर रहा था वो भी गलत था, वो सॉरी हरी सिंह जो कर रहा था वो गलत था, और इस तरह के लोग दुनिया के अंदर पाए जाते हैं। जबकि आल दो दे आर रियल इन टूडे सोसाइटी, बट यस सोसाइटी के अंदर ऐसे लोग कम होते हैं, लेकिन होते ज़रूर हैं। दे डू एग्जिस्ट, और इस तरह का काम भी करते हैं। द फर्स्ट रिएक्शन ऑफ पीपल इफ समवन इज कॉट स्टीलिंग is that they will try to punish him and then hand him over to the police. अगर इस तरह के लोग होते हैं और पकड़ में आ जाते हैं तो पहले लोग क्या करते हैं, उनको पीटते हैं, और पीटने के बाद उनको पुलिस के हैंड ओवर कर देते हैं पुलिस। बट इट शुड बी रियलाइज्ड दैट ह्यूमन आर बाउंड टू मेक एरर, बट दैट डजंट लेट देम लूज अ चांस टू rectify their mistake and change for good. बहुत कम ऐसा होता है कि लोग उसको realize करने का मौका दें कि वो सही रास्ते पर आ जाए और अपने बुरे रास्ते को छोड़ दे। At least a chance to reform should be given to the person. Opinion है कि कम से कम आदमी को एक सुधरने का मौका देना चाहिए। This is the only way to bring anyone to right path rather than punishing severely and thus making him a criminal forever. और हमेशा के लिए इससे पहले कि वो क्रिमिनल बन जाए उसको एक अच्छा मौका दीजिए ताकि वो सुधर जाए, और अगर सुधर गया तो अच्छा इंसान बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डू यू थिंक इट इज सिग्निफिकेंट डिटेल्स इन द स्टोरी दैट अनिल इज अ स्ट्रगलर राइटर, डज दिस एक्सप्लेन हिज बिहेवियर इन एनी वे? क्या आपको ऐसा लगता है कि ये जो स्टोरी है ये अनिल की एक पहचान है, या अनिल अभी तक स्ट्रगल कर रहा है? डज दे एक्सप्लेन हिज बिहेवियर एनीवे, क्या वो अपने आप को एक्सप्लेन कर रहा है कि मैं किस तरह की मेंटेलिटी रखता हूँ? अनिल इज़ अ राइटर, नो डाउट ही राइट्स फॉर मैगजीन, वो मैगजीन के लिए लिखते हैं, बट ही इज स्ट्रगलिंग राइटर, लेकिन वो अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं। अनिल के बारे में बात हो रही है। वी कम टू हिज कंक्लूजन एज द नरेटर सेज दैट अनिल अर्न्स बाय फिट्स और स्टार्ट्स, अपने जीवन व्यतीत करने के लिए वो स्ट्रगल कर रहे हैं और पैसा कमाते हैं। ब्रोज वन वीक लेंड्स द नेक्स्ट वीक, वो एक हफ्ते कभी उधार भी लेते हैं और कभी लोगों को दे भी देते हैं। ही कीप्स वरिंग अबाउट हिज नेक्स्ट चेक, और आने वाला समय अच्छा हो इसका वो इंतज़ार करते रहते हैं कि आने वाला वक्त अच्छा हुआ। ही हैज़ बिकम एन एक्स्ट्रावेजेंट, और वो कुछ ज़्यादा ही एक्स्ट्रावेजेंट भी हो जाते हैं। एज सून एज ही गेट्स मनी, और जब उनको पैसा मिलता है गोज आउट एंड सेंट ऑन हिज फ्रेंड्स, वो पैसा मिलने के बाद वो चले जाते हैं और अपने दोस्तों में खूब खर्चा करते हैं।
ही इज ऑल्सो वेयर केयरलेस, वेरी केयरलेस, यानी किसी चीज की वो परवाह नहीं करते. नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी थर्ड क्वेश्चन है आपका, हैव यू मेट एनी वन लाइक हरि सिंह, कैन यू थिंक एंड इमेजिन द सर्कमस्टांसेस दैट कैन टर्न अ 15 ईयर ओल्ड बॉय इनटू अ थीफ. क्या आपको हरि सिंह जैसा करेक्टर अभी तक मिला है? हैव यू मीट एनी वन लाइक हरि सिंह, क्या हरि सिंह जैसे बंदे से आज तक आप मिले हैं? कैन यू थिंक एंड इमेजिन द सर्कमस्टांसेस, क्या आप इस तरह की इमेजिन कर सकते हैं? कैन टर्न 15 ईयर ओल्ड बॉडी इनटू अ थीफ, कि 15 साल का लड़का इतना बढ़िया चोर, इतना बड़ा चोर हो जाएगा? आंसर नो, नहीं. आई हैव नॉट मेट एनी वन लाइक हरि सिंह, मैं हरि सिंह जैसे बंदे से अभी तक नहीं मिला. ये एक इमेजिनेशन है, बट आई कैन अंडरस्टूड दैट नो वन इज बॉर्न थीफ. लेकिन मुझे ऐसा लगता है, राइटर कह रहे हैं, नरेटर साहब कहते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि कोई बाई बर्थ चोर नहीं होता. द सर्कमस्टांसेस मेक अ पर्सन थीफ, माहौल, कुछ वक्त ऐसा आ जाता है कि आदमी चोर बनने के लिए मजबूर हो जाता है. इफ़ द पेरेंट्स ऑफ ए चाइल्ड आर नॉट केयरफुल एंड दे डोंट गिव फुल अटेंशन टू वर्ड्स टूवर्ड द चाइल्ड, सर्टेनली द चाइल्ड विल ग्रो अप इनटू अ थीफ. जब पेरेंट्स अपने बच्चों की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, उनको सही रास्ता नहीं देते हैं, और बच्चे बड़े होते चले जाते हैं, तो वो फिर गलत रास्ता पकड़ लेते हैं, यानी कि चोर बन ही जाते हैं. Besides, इसके अलावा it an orphan child has more chances to become a thief. Orphan child का मतलब जिनके माँ बाप नहीं होते हैं, वो बच्चे ज़्यादा चोरी के रास्ते पर चले जाते हैं. The child doesn't get proper love and attention and becomes so. क्योंकि वो बच्चे, उनको किसी का प्यार नहीं मिलता है, उनको किसी गाइडलाइन नहीं मिलती है, तो इसलिए वो इस तरह हो ही जाते हैं, यानी चोर बन ही जाते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर द स्टोरी सेट, यू कैन गेट क्लूज फ्रॉम द नेम्स ऑफ द पर्संस, पी इसमें मिस हो गया है, एंड प्लेसेस मेंशन इन इट. कहते हैं ये स्टोरी किधर को हमें लेकर जा रही है, क्या कोई क्लू हमें इस पे मिल रहा है कि किस तरह की स्टोरी है और किस तरह के लोगों पर जाकर रुक जाती है. विच लैंग्वेज और लैंग्वेजेस आर स्पोकन इन दीज प्लेसेस, और किस तरह की लैंग्वेज हम बोलते हैं. डू यू थिंक द करेक्टर्स इन द स्टोरी स्पोक टू ईच अदर इन इंग्लिश, क्या आपको ऐसा लगता है कि हर कोई इसमें इंग्लिश बोलता है इस तरह की स्टोरी में? जवाब देखिए, आंसर, द स्टोरी इज सेट इन इंडिया, ये जो हमें लेकर जा रही है इंडिया की तरफ. वी कम टू दिस कंक्लूजन एज द नेम ऑफ द करेक्टर्स एज अनिल एंड हरि सिंह आर इंडिया, दोनों करेक्टर इंडिया के हैं. अगेन द प्लेसेस मेंशन द स्टोरी आर इंडियन एज लखनऊ, और दोनों करेक्टर इंडिया के हैं, और सॉरी लखनऊ के हैं और लखनऊ इंडिया में है. मैदान एंड बाजार, लखनऊ मैदान एंड बाजार. द करेंसी रूपी आल्सो टेल अस दैट द स्टोरी सेट इन इंडिया, जो करेंसी है वो रुपए में है और रुपए इंडिया में चलता है, इसलिए ये पूरा इशारा इंडिया तरफ कर रही है कि ये स्टोरी इंडिया की है. इन दीज प्लेसेस हिंदी लैंग्वेज इज स्पोकन, और यहाँ पर हिंदी बोली जाती है. द करेक्टर्स इन द स्टोरी डिडंट स्पीक इंग्लिश, रादर दे यूज इन हिंदी, कहते वो इंग्लिश का कभी यूज नहीं करते क्योंकि वो हमेशा हिंदी ही बोलते हैं. नेक्स्ट, रीड एंड फाइंड आउट. पहला क्वेश्चन, हु डज आई रिफर टू इन दिस स्टोरी, इस कहानी में आई किसकी तरफ इशारा करता है. इन दिस स्टोरी आई रेफर टू द थीफ हु इंट्रोड्यूस हिमसेल्फ एज़ हरि, ये आई की तरफ जो इशारा कर रहा है वो चोर की तरफ इशारा कर रहा है. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज ही अ फेयरली सक्सेसफुल हैंड एट, वो काफी सफल था. कौन? ही वॉज ए फेयरली सक्सेसफुल हैंड एट रॉबिंग एंड डपिंग पीपल ऑफ देयर मनी, वो चोर की तरफ आए. व्हाट इज ही, ये जो एक चोर की बात हो रही है कि वो लोगों को उनके पैसे लूटने और ठगने में काफी हद तक कामयाब हो जाता था. कौन? हरि. नेक्स्ट क्वेश्चन,
what does he get from Anil in return for his work? वो यानी कि हरि जो है वो काम करने के बदले में उसको क्या मिलता था? When he asks Anil that he want to work for him, जब वो अनिल से कहता है कि मुझे आपके यहाँ काम करना है, अनिल कैंडी says that he will not be able to pay him, के वो काम ज़रूर करे लेकिन मैं तुझे उसे कुछ पैसा नहीं दे पाऊँगा। यानी अनिल कह रहा है हरी से कि मैं आपको पैसा नहीं दे पाऊँगा। दे म्यूचुअली डिसाइड दैट इफ द थीव वुड बी एबल टू कुक फूड फॉर हिम दे अनिल वुड फीड टू हिम। वो कहता है अनिल कि अगर तुम मेरे लिए खाना पकाते हो बस मैं इतना काम दे सकता हूँ तो उसके बदले में तुम्हें खाना खिला सकता हूँ। बट सून लेकिन जल्दी ही अनिल कम टू नो दैट ही कांट कुक। अनिल फौरन जान गया कि इसको खाना बनाना नहीं आता है। सो अनिल टेल्स हरी, उन्होंने हरी से कहा द थीफ हरी जो चोर है दैट ही वुड टीच हिम टू कुक फूड टीच हिम टू राइट हिज नेम एंड फुल सेंटेंस आल्सो टू ऐड नंबर्स। तो कहता है तुम्हें खाना बनाना नहीं आता है लेकिन मैं तुम्हें खाना बनाना भी सिखाऊंगा, पढ़ना भी सिखाऊंगा, यहाँ तक के मैथमेटिक्स नंबर जोड़ना भी बताऊंगा। अपार्ट फ्रॉम दिस इसके अलावा हरी आल्सो यूज्ड टू स्टील 1 रुपी फ्रॉम द ग्रोसरी मनी एवरी डे। वो डेली का जो वहाँ पर काम करता था बाजार से लाने का हरी, तो इसके अलावा वो उसमें से 1 रुपया डेली चुरा भी लेता था। यानी कि आप कह सकते हैं कि जब वो मार्केटिंग करके आता था तो वो जो उसका हिसाब होता था उसमें से 1 रुपया बचाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज द थीफ थिंक अनिल विल रिएक्ट टू द थेफ्ट। चोर को कैसे लगता है कि अनिल चोरी के लिए रिएक्ट करेंगे, यानी शायद मना करेंगे। द थीव थॉट दैट ऑन डिस्कवरिंग दैट ही हैड बीन रॉब्ड अनिल वुड डिफरेंटली बी सैड, बट ही वुड बी सैड बिकॉज ऑफ द लूज ऑफ ट्रस्ट एंड नो बिकॉज ऑफ द लूज ऑफ मनी। कहते वो कैसे रिएक्ट करेंगे। यहाँ चोर कहता है, चोर हालांकि ये पता लगाने के लिए कि इसे लूट लिया गया है, चोर जानता था कि मैं इसको लूटने के लिए आया हूँ और लूट भी लिया है, तो अनिल इससे दुखी तो होगा लेकिन वो ये ज़रूर चाहेगा आप कुछ भी करो लेकिन मेरे विश्वास को आप धोखा मत दो। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज ही से अबाउट द डिफरेंट रिएक्शन ऑफ पीपल व्हेन दे आर रॉब्ड। जब उसको उसने चूना लगाया यानी उसकी यहाँ चोरी की तो रिएक्शन क्या थे। द थीफ सेज दैट अकॉर्डिंग टू हिज एक्सपीरियंस अपॉन बींग रॉब्ड द ग्रीडी मैन शोड फियर। देखिए कई तरह के लोग होते हैं, पैसा चला जाता है तो वो उनको अफसोस होता है, कुछ को पैसा चला जाता है तो पैसे को रिकवर करने की कोशिश करते हैं, और किसी के लिए ऐसा होता है पैसा चला जाता है तो वो कहते हैं चलो उसका भला हो परेशान ना हो। यहाँ कह रहे हैं कि चोर कहता है कि मुझे ये एक्सपीरियंस हो गया कि जब मैं ग्रीडी लोगों को लालची लोगों को लूटता हूँ तो वो डरते हैं, रिच मैन को लूटता हूँ तो वो नाराज़ होते हैं, और पुअर मैन को लूटता हूँ तो इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं कि चला गया वेदर हैड हैपेंड विद हिम। लेकिन इनको क्या है, अनिल साहब को क्या है कि इनका पैसा कर लो, तो वो ये चाहते हैं सिर्फ मुझे धोखा मत दो, मेरे ज़मीर को ठोकर मत मारो। डज अनिल रियलाइज दैट ही हैज बीन रॉब्ड। क्या अनिल को पता लगा कि मैं उसको लूट लिया गया है? यस प्रोबेबली अनिल न्यू, शायद वो जानता था दैट ही हैड बीन रॉब्ड के उसको लूटा जा चुका है या उसको लूट रहा है ये बंदा, बिकॉज ऑल द नोट्स वर वेट, क्योंकि सारे नोट गीले थे एंड डम अच्छी तरह भीगे हुए थे फ्रॉम लास्ट नाइट। ही स्टिल डिडंट से एनीथिंग टू द थीफ, उसने अभी तक चोर से कुछ कहा नहीं, एंड गेव हिम 50 रुपीज नोट, और उसको 50 रुपये का नोट भी एंड टोल्ड हिम, और उसको बताया दैट फ्रॉम नाउ ऑन अनिल विल बी पेइंग हिज मनी एज सैलरी एवरी मंथ, के उसको हर महीने अब वो सैलरी भी देगा, टेंशन की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर कुछ वर्ड मीनिंग दिए हैं, बहुत सिंपल हैं। लीन थिन फ्लैटरी, लीन का मतलब पतला दुबला, आओ इसको आप लीन थिन को चापलूसी भी कह सकते हैं, चापलूसी करना। मॉडेस्टी शिष्टाचार यानी तहजीब, और एम्प्लायर्स को आप अ पर्सन
who a person or organization that employ people. एक वो इंसान जो किसी को अपनी नौकर रखता है, इसको employers कहते हैं. Grunting, घुरघुराना, यानी घुरघुराना. Appealing, एक smiling, बहुत ही interesting smiling देना. Fits and starts का मतलब होता है कि वो बैठ जाता है और अपने काम को शुरू करता है. Not working, काम तो नहीं करता है, sometimes constantly, कि वो काम नहीं करता लेकिन तब भी शो ऑफ करता है कि मैं काम कर रहा हूँ. बोरो का मतलब उधार देना, लैंड का मतलब उधार देना. क्यूर का मतलब होता है QUER, कि ये होता है स्ट्रेंज, एक अजनबी आदमी, या आप इसको कहते हो पुराने ढंग का आदमी, ऑड टाइप का आदमी. बंडल, नोटों का बंडल. टक का मतलब टकटकी बांधे देखना, या एकदम बिल्कुल खामोश हो जाना और देखते रहना. राइट, लीन ऑफ वर्क का मतलब होता है कि काम करना, और बीम का मतलब होता है किरण या शहतीर, और क्रीप्ट का मतलब होता है मूव स्लोली, हल्के हल्के चलना. और ड्रीव का मतलब होता है DREW, ड्रीव जो ड्रा की सेकेंड फॉर्म है, इसका मतलब होता है खींचना. साइड का मतलब होता है बहुत गहरी सांस लेना, ओहो ये गहरी सांस लेना. स्टार्टल्ड का मतलब चौंक जाना, किसी भी चीज़ को अचानक देखना. डैश सिंपल कैरेज, कैरेज का मतलब होता है कि ट्रेन का वो डिब्बा जिसमें सामान लेकर जाया जाता है. हेजिटेट का मतलब हेजिटेट हो जाना. और डिजर्टेड का मतलब बिल्कुल अकेला अपने आप को पाना, या सुनसान होना, या वीरान कह सकते हैं. और ये आपका तो क्यूरियस होता है. एंगर टू नो, यानी बहुत ही गुस्से में किसी चीज़ को अगर आप बात को जानना चाहते हैं, दैट इज़ क्यूरियस. रॉब्ड का मतलब लूटना, बाजार मार्केट हो गई, मैदान पार्क हो गया. ड्रिजल का मतलब होता है कि जो हल्की हल्की फुहार पड़ती है, बूंदें जो गिरती है बहुत हल्की हल्की, जो बहुत अच्छी लगती है, उसको ड्रिजल कहते हैं. शेल्टर, जहाँ पर हम लोग स्टे करते हैं, रुकते हैं रात में या दिन में. क्लॉक टावर, जो पहले के ज़माने में जो शहरों में बीचों बीच में एक बहुत ऊंची बिल्डिंग होती थी, उसके ऊपर बहुत बड़ी घड़ी लगाते थे, जिस घड़ी को सब लोग देखते थे, टाइम देखते थे, उसको हम कहते हैं क्लॉक टावर. मिडनाइट, आधी रात का वक्त. और डैम का मतलब होता है गीला, स्लाइटली वेट, हल्का हल्का गीला, राइट, या कुछ भीगा हुआ. सिनेमा, पिक्चर घर, पिक्चर हॉल. हरीड का मतलब होता है कि बहुत जल्दी किसी काम को करना. और अनडिटेक्टेड का मतलब होता है कि अगर किसी चीज़ के बारे में आपको ना पता लगा हो, उसको कहते हैं अनडिटेक्टेड. तो ये था आपका चैप्टर ए थीव स्टोरी. हमने इससे बहुत कुछ सीखा और पढ़ा भी है. मैं चाहता हूँ कि आप लोग इसको बहुत सही से पढ़ें, और पढ़ने के बाद आप इस पे अमल भी करें. क्वेश्चन आंसर मैंने आपको दिए, समरी मैंने आपको इसको दे दी, और फुल एक्सप्लेनेशन भी आपको दे दिया. चलिए इसी साथ दीजिए आप वसीम को इजाज़त. पढ़ते रहिए और सब लोगों को बताते रहिए. अगर आपको ये पसंद आया तो प्लीज़ आप इसको शेयर ज़रूर कीजिए, बच्चों को इससे बहुत फ़ायदा होने वाला है. थैंक यू सो मच.